सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में बेटा होना जितना जरूरी है, बेटी होना उससे अधिक जरूरी है। नहीं हो, नहीं मिली कि नहीं कारण, बस राधा रानी को, किशोरी को, सिया जी को अपनी पुत्री मान लो, दुर्गा जी को अपनी पुत्री मान लो, वो भाव वहां पूरा करो। और बेटियां दुख में आए ना आए, वैसे तो आती हैं, ना आए कदाचित किन्हीं कारणवश, पर किशोरी राधा रानी भागी तुम्हारे दुख में, आएगी तुम्हारे पास। महाराज देवहूति आहूति नाम की, प्रसूति नाम की तीन कन्याएं, दो पुत्र हुए। मनोजी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले पिता मां सृष्टि की रचना तो कर दी, पर ये बताओ मैं हम रहेंगे कहां रहेंगे, चारों तरफ जल ही जल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उस समय ये सृष्टि जो हुई केवल ब्रह्मा जी के कमल पे हुई है। ब्रह्मा जी के कमल की एक पत्रे की ये क्षमता है कि ऐसे भूमंडल, कई करोड़ों भूमंडल ब्रह्मा जी के कमल पत्र पर रह सकते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने ही लगे थे, उसी समय ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उसे ले गया है। तुरंत ध्यान आया और महाराज उसी समय सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया। महाराज सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित एक बार सनकादि ऋषि दोनों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया घूमते घूमते बैकुंठ में पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान उस समय शयन करने का समय था, भगवान द्वारपाल दरवाजे पे खड़े थे, जिनका नाम था जय और विजय, दोनों ने रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जाओगे, अभी ठाकुर जी सो रहे हैं। देखिए हर समय भगवान के दर्शन के लिए भी अनुमति नहीं होती है, जैसे भगवान की सेवा का नियम है, आप लोग अगर मंगला आरती करते हैं तो ठाकुर जी को सर्दी में 6 बजे उठाओ, भगवान को भोग लगाओ, मंगला आरती करो, ठाकुर जी का पट लगा दो, 7 बजे घंटे बाद जाकर भगवान का गर्म जल से स्नान कराओ, सुंदर श्रृंगार धारण कराओ, सुंदर इत्र धारण कराओ, इत्र भी मौसम के हिसाब से, सर्दियों में जैसे हिना है और क्या बोलेंगे केसर है, ऐसी इत्र सर्दियों में धारण कराओ जो गर्म हो, कस्तूरी है, गर्मियों में गुलाब है, बेला है, रात रानी है, मौसम के हिसाब से वस्त्र, मौसम के हिसाब से इत्र, मौसम के हिसाब से चंदन लगाओ, सर्दियों में बिना कपूर का चंदन घिसिए, गर्मियों में कपूर डाल के चंदन घिसिए, भगवान को दिव्य वस्त्र आभूषण, सर्दियों में फूल दूर भगवान के पास नहीं, और गर्मियों में भगवान को सुंदर सुंदर ऐसे फूल जो ठाकुर जी को काटे नहीं, ठाकुर जी को चुभे नहीं, सुगंधित फूल, बिना सुगंध वाला फूल ठाकुर जी को नहीं चढ़ना चाहिए, सुकुमार फूल, गुलाब के भी पीछे का हटा दो पंखड़ी, भगवान पर अर्पण करो, सुंदर सुंदर पंखड़ियां चढ़ाओ भगवान पर, भगवान को भोग राग धारण कराओ, पवित्र पवित्र भोजन, सुंदर सुंदर भोजन धारण कराओ, ऐसा भोजन जिसमें सुंदर सुगंध आए, सुंदर सुंदर खुशबू आए, कई महीनों का रखा हुआ नहीं, भगवान को भोग धारण कराओ, भगवान की दिव्य सुंदर आरती उतारो। महाराज 3 आरती चरणों पे लो, 4 आरती कमर का लो, 4 आरती मुखमंडल की लो, संपूर्ण श्री अंग की 7 आरतियां उतारो, भगवान की दिव्य आरती उतार के भगवान की चमर ढुलाओ, भगवान की नजर उतारो, भगवान को प्रणाम करो और भोग लगा करके एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन छोले रहने दो। 12 बजे फिर भोग बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को शयन करा दो, ठाकुर शयन हो गए तब किसी की जाने की अनुमति नहीं, ये भगवत सेवा का है। शाम को 4 बजे फिर उत्थापन कीजिए। आज भगवान शयन करने गए, द्वारपालों ने रोका, इनको अपनी तपस्या का अभिमान हो गया, अरे हमने जिनके लिए लंगोटी लगाई, जिनके लिए तपस्या करते हैं, उनके यहां जाने से हमें रोकते हो, लगता है तुम्हें अभिमान हो गया है, श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 4 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। श्राप लगा, लगते ही भगवान प्रकट हो गए, सनकादि चरणों में गिरे, प्रभु हमसे क्षमा करना। देखिए जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने वाले व्यक्ति का भजन नष्ट हो जाता है। सनकादियों ने क्रोध किया, श्राप दिया, सनकादि का भजन नष्ट हो गया, इसके चलते भगवान ने उनको बैकुंठ में नहीं बुलाया, बाहर ही आ गए।
कहां तो बैकुंठ में जाते थे, भगवान के दर्शन होते थे, और आज भगवान स्वयं बाहर आ गए क्योंकि महात्मा थे, अंदर नहीं बुलाया, भजन नष्ट हो गया। भजन करने वाले व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए।